बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, काफी अच्छा नंबर है, मतलब 450 वैकेंसी है टोटल, उसमें लीगल की वैकेंसी आप सुन के शॉक हो जाओगे, बहुत अच्छा नंबर है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके, और आप सबको गुड इवनिंग। बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आया हूँ, काफी अच्छा नंबर है, मतलब 450 वैकेंसी है टोटल, उसमें लीगल की वैकेंसी आप सुन के शॉक हो जाओगे, बहुत अच्छा नंबर है, ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं निकलती। और एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसका डिटेल में नोटिफिकेशन नहीं आया, तो मैंने प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन देखा तो उससे कुछ पता चलेगा कि क्या एक्सपीरियंस मांगा था क्या प्रीवियस ईयर में इसमें, तो उसमें लिखा है कहीं पे भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ था प्रीवियस ईयर में। अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, जैसे ही डिटेल में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। बट इस वैकेंसी का फॉर्म कब से स्टार्ट है ये इन्होंने लिखा है, कितनी वैकेंसी है वो भी बताया है, और सैलरी क्या रहेगी सब कुछ बताया, एज लिमिट भी बताई है, तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना, तो ऐसे ही वैकेंसी मिस हो जाएगी अगर वीडियो विदाउट स्किप करके नहीं देखा तो। बहुत सारी चीजें रहती है वीडियो में, तो आप स्किप करके देखोगे तो आपका ही लॉस है, मेरा कुछ नहीं है। और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं वीडियो आगे नहीं बढ़ूंगा, पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आती है, लॉ ऑफिसर की कहीं पे भी वैकेंसी है, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस वाली हो, मैं बताता हूँ, और सिविल जज की कहीं पे वैकेंसी है मैं बताता हूँ, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अब बात करते हैं वैकेंसी कहाँ पे आई है, ये वैकेंसी आई है न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड में आई है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 की है, और इसमें बहुत सारी वैकेंसी आई है, रिस्क इंजीनियर, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, लीगल, अकाउंट, हेल्थ, आईटी, ये टोटल वैकेंसी, मतलब टोटल वैकेंसी 450 करीब है, लीगल की 70 वैकेंसी है, तो आप लोग सोच सकते हो 70 वैकेंसी। आप मेरे वीडियो देखे होंगे और किसी लॉ चैनल के वीडियो देखे होंगे, कभी 2 आ रही है, 1 आ रही है, 5 आ रही है, 10 आ रही है वैकेंसी, इसमें 70 वैकेंसी आई है, तो मिस मत करना। एज भी बता रहा है कि इसमें 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 30 है, तो इससे क्या पता चलता है फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है एज को देखते हुए। और जो मैंने लास्ट नोटिफिकेशन देखा था ना, उसका भी फोटो लगा दूंगा आपके लिए, और ये नोटिफिकेशन चाहिए हो आपको, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो करना, मैसेज कर देना, मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर भी कर दूंगा। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएगी, 1 अगस्त 2023 और 21 अगस्त 2023 लास्ट डेट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.newindia.co.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, और 70 नंबर है वैकेंसी का, 70 पोस्ट आई है लीगल में, साफ साफ लिखा है, फोटो देख सकते हो आप लोग, और यही नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी डिटेल में नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ, और ये आज ही का नोटिफिकेशन है, तो आप लोग ये देख सकते हो आज के तारीख का ही नोटिफिकेशन है। तो अब बात कर लेते हैं पिछली ईयर का, फोटो लगा रहा हूं आप लोग देखो, ये 2018 का है, इसमें भी लीगल की पोस्ट आई थी 30, तो उससे तो ज्यादा ही आई है 70, और इसमें डेट वेट भी दे रखी है, तो इससे आप पता कर सकते हो कि एग्जाम होने में कितना टाइम रहता है। देखो इसमें आया था, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था 10 और 26 दिसंबर से लेकर, और इसमें देखो फेस पेपर का मतलब दिसंबर में, जनवरी 1 महीने के अंदर पेपर करा दिया था इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट होने के बाद, तो जैसे इसका भी हो जाएगा तो 1 महीने या 2 महीने का टाइम मिलेगा आपको एग्जाम का, तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा जैसे ही फॉर्म फिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें एक्सपीरियंस का था क्या, देखो आप लोग देखोगे ना लीगल, मैं आपको फोटो लगा रहा हूँ इसमें देखो, मतलब ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मतलब लॉ में 60% मार्क्स होने चाहिए, बस ये है कि 60% मार्क्स मांगे थे और 55% मार्क एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए मांगे थे, तो मार्क्स का है और एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा था, और स्केल 1 का है तो मुझे भी लगता है फ्रेशर के लिए, लास्ट नोटिफिकेशन पता चलता है फ्रेशर के लिए, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका डिटेल में आ जाएगा तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा। और वैसे जहां तक होगा 99% ये फ्रेशर की ही नौकरी है, लास्ट नोटिफिकेशन से पता चलता है। और एज रिलैक्सेशन भी है इसमें, मैंने बताया ना 21 से लेकर 30 साल वाले ही भर सकते हैं इसको, तो इसमें एज रिलैक्सेशन भी बता रखी थी लास्ट टाइम वाला नोटिफिकेशन, देखते हैं अपन उसमें कितनी एज रिलैक्सेशन बताई है। देखो 5 साल के लिए एससी एसटी वालों के लिए है, ओबीसी वालों के लिए 3 साल है, फिजिकल हैंडीकेप वालों के लिए 10 साल है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल है। ये फोटो भी देख लेना आराम से, जैसे ही आपको मतलब पॉज करके नहीं समझ में आए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, तो आपको मैं फोटो शेयर कर दूंगा लास्ट ईयर की, और नहीं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट ईयर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसमें फेज होगा प्री मेंस इंटरव्यू, 3 फेज में पेपर होगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं,
और लास्ट टाइम फीस भी बताया था वो 100 रुपए गरीब रही थी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए, जो 2018 का नोटिफिकेशन है उसमें 600, इस बार शायद 750 कुछ है, 100 रुपए है उनके लिए और 750 कुछ है जहां तक है मैं, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देखो वही बात है, देखो अभी एक नॉर्मल छोटा सा नोटिफिकेशन है तो कमेंट करना सही नहीं है। लास्ट टाइम वाला जो मतलब 2018 का जो था वो मैं आपको बता रहा हूं, तो 19-20 का अंतर आएगा फीस में भी। और ये सेंटर भी कहाँ कहाँ आया था आप लोग देख सकते हो, फेज वन के फेज टू के ये सेंटर भी दे रखे हैं, तो काफी जगह सेंटर आए थे, राजस्थान में भी है, जयपुर में भी है, बहुत जगह है, राजस्थान में जयपुर में आया था, या आंध्र प्रदेश, सब आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, सब जगह है, तो सेंटर बहुत जगह आएगा, इसमें ऑल ओवर इंडिया का पेपर है और वैकेंसी बहुत सारी है, तो बच्चे फिल करेंगे इसको। और ये आपको या तो मैं कल डाल दूंगा वीडियो, नहीं तो आज डाल दूंगा वीडियो, वैसे मैं आज बना रहा हूँ, एक वीडियो डाल चुका हूँ और मेरा लग तो रहा है कि वैकेंसी अच्छी है तो आज ही डाल दूं, तो जहां तक है मैं आज डाल दूंगा इस वीडियो को, नहीं तो कल मिल जाएगा आपको। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि इस चैनल पे लॉस रिलेटेड वीडियो आते हैं और बहुत अच्छा रहता है आप लोगों के लिए, टाइमिंग पता चलती है, जैसे इसमें टाइमिंग ज्यादा नहीं दी है, 21 दिन की मतलब 21 दिन दिए हैं फॉर्म भरने के, अगर मतलब आप देखोगे बाद में, अभी तो चालू हुआ नहीं, 1 अगस्त से चालू होगा इसका फॉर्म, तो आपका ही लॉस होता है, इसलिए बेल आइकन जरूर दबा के जाना, सब्सक्राइब भी कर लो, और आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में, इंस्टाग्राम आईडी आ रही है फॉलो भी कर लेना।